अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज बड़े यमी से हमने नान बनाने हैं, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। ये जी डो बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून लिया फ्रेश ईस्ट है मेरे पास, और 1/2 टीस्पून चीनी ले लिया है। इस पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। एक कप दूध का ले लिया मैंने, और ये मेरे पास 60 ml ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, और 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया सूखा दूध, 1 अंडा डालेंगे, और इसमें 600 ग्राम मैं मैदा डालूंगी। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी, अगर आपको लिक्विड थोड़ा लगेगा तो मैदा और ऐड कर लेंगे, अगर इसी में पूरा हो गया तो इतना ही रहेगा। तो अब डो को बनाना शुरू करते हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, तकरीबन मैंने 2 कप डाला। अब इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, और ऑयल ऐड करके बकाया और मैदा ऐड करके फिर इसको गूंदेंगे। जी, हमारी डो रेडी हो गई है। अब इसमें हल्का सा ऑयल लगा के बर्तन में और आटे के ऊपर तो इसको रख देते हैं डबल साइज होने तक। ये 3 पाव चिकन था हमारे पास, इसको हम बॉईल कर लिया, हल्का सा नमक और काली मिर्ची डाल के किया हुआ इसको, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। ये 1 शिमला मिर्ची ली है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ज़्यादा मोटी मोटी पता नान में जी अच्छी नहीं लगेगी। और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली को इसको मैंने चॉप कर लिया। 1 टीस्पून दादर मिर्ची है, 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर है, और 1 टीस्पून काली मिर्ची है, थोड़ा सा ऑरिगैनो ले लिया, 2 टेबल स्पून मेरे पास मेयोनीज है, और नमक हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे। 1 प्याज लिया मैंने, और 2 लहसुन की जमे थी इनको चॉप कर लिया, 1 टेबल स्पून बटर लिया है, इसमें बनाएंगे। ये आपने देखा जी कि मैंने इसको बेक दिया है, तो अब इसको मैं ट्रे में रख दूंगी, इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर बेक करेंगे।
तो आपने देखा है कि बड़े मज़े के हमारे नान तैयार हो चुके हुए हैं। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं जी कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।